बलौदाबाजार की बात करते हैं, जहां पे डायरिया, डेंगू, मलेरिया पैर पसार रहे हैं। अब मलेरिया के 3 मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। पलारी विकासखंड के टीला गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की मलेरिया रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गांव पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को जल जमाव से बचने के लिए जानकारी दी। तो वहीं पलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के BMO ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी निर्देश दिए हैं। बलौदा बाजार में डायरिया के बाद अब मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। मलेरिया लगातार पैर पसार रहा है। ऐसा ही एक गांव है टीला, जहां पर मलेरिया के प्रभाव से 2 बच्चे और 1 महिला प्रभावित हुई हैं। उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ में हैं, आइए उनसे बात करते हैं कैसे ये बीमारी फैली आपके गाँव में। हम तो नाला किनारे रहते हैं सर, गाँव में रहते नहीं है, बहुत दूर गाँव 2-3 किलोमीटर दूर है अपने घर से। नाला के पास में खेती वहीं पे करते हैं, तो वहीं पे कोतवाल का जमीन है, वहीं पे रहते हैं, 10-12 साल हो गए वहाँ रहते। तो क्या गंदा पानी है या पानी का जमाव रह रहा है वहाँ पे? वहाँ कुछ नहीं है अभी पानी उनी, तो कुछ जमाव नहीं है। वो छोटा सा तालाब खाना है अपने घर के यूज के लिए, उसी में नहाते खोलते थे। तो लग रहा है कि उसी की वजह से फैला है। अब उसी की वजह से फैला है कि किसके वजह से फैला है क्या पता उसको। जैसे आप गए तो प्राथमिक नाला है, प्राथमिक उपचार आपको मिल पाया वहाँ? कहाँ? गांव में, और जहाँ जिस क्षेत्र से आप आते हैं दतान में। हाँ, जैसे दतान में आए तो दतान वाले ने पलारी रिसेप्ट किया, अब पलारी वाले ने बलौदा रिसेप्ट किया, अब उसके बाद में यहाँ इलाज पानी सब चल रही है। इलाज ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है सर। बता दें कि सेरेब्रल जो मलेरिया है उसकी जानकारी आई है कि इनके परिवार में सेरेब्रल जो मलेरिया है वो फैला हुआ है और ये घातक मलेरिया की कैटेगरी में गिना जाता है। तो अभी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है इनके गांव गई थी और जाकर के वहां पर नमूना ली है और उसके जांच के लिए भी भेजा गया है। 10-10 घर जो हैं आसपास के जो क्षेत्र में हैं उनको प्रभावित जिस व्यक्ति हैं इनके घर के आसपास से लिया गया है और देखने की बात होगी कि अब उन घरों में किस तरह से सैंपल आता है, ये भी देखने की बात होगी। NDTV के लिए बलौदा बाजार से दीपेन शुक्ला की रिपोर्ट। सारे RHO लोगों को बुलाया गया था, उसमें सभी लोगों ने निर्देश दिया गया है, पहले भी दिया गया था कि आज की स्थिति में तो हर गांव में एक दो तो रहते ही है। हम जो सामान लेता सब मानते हैं सीजन में बरसात के मौसम में, सब जगह दवाई मारती गई है। कुआं के आसपास जो सामूहिक जो पला कुआं है जो सामूहिक उपयोग तो करते हैं गाँव के व्यक्ति, तो वहाँ साफ सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। मलेरिया के संबंध में अभी टीला में एक टीला के बाहर में कुछ परिवार रहते थे, वहाँ पर एक ही परिवार के यहाँ वहाँ पर 3 लोगों को मलेरिया पॉजिटिव पाया गया था। उन्हें पहले समुदाय स्वास्थ्य में आए हैं 18 तारीख को, उसके बाद उसको जिला अस्पताल भेज दिया गया है।